कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स की आज घोषणा हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन तमाम नेताओं को शामिल किया गया है जिनको लंबे समय से या तो प्रतीक्षारत रखा गया था या लगातार पार्टी देख रही थी उनका कामकाज काफी अच्छा है। हमारे साथ हरीश रावत जी हैं जो स्वयं उस वर्किंग कमेटी में शामिल किए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सर, बड़ी लिस्ट आई है, लंबे टाइम से वेट हो रहा था, 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं खरगे साहब को, पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं और पार्टी लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बहुत सक्षम कॉम्पैक्ट टीम बनी है जिसमें युवा जोश के साथ अनुभव दोनों का समन्वय किया गया है और ये 2024 के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगी। सर, लगातार ये देखा जा रहा था कि राजस्थान में चुनाव आने हैं, पार्टी ने ये वादा किया था, आलाकमान ने कहा था कि सचिन पायलट को हम उनका महत्वपूर्ण स्थान देंगे। आज उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, उनके समर्थकों में भी जोश है। आपको लगता है गहलोत और पायलट की जो अब जोड़ी होगी राजस्थान में वो आने वाले चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है और सचिन को उनका जो स्थान था वो दिया गया है और महत्व उनको दिया जाएगा और आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हरीश रावत जी थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, CWC मेंबर। उनका साफ तौर पर कहना है कि सचिन पायलट को लेकर पहले ही आलाकमान ने ये वादा किया था कि सही समय आने पर उनको उनके अनुरूप स्थान दिया जाएगा और पार्टी ने आज उनके नाम की घोषणा कर आने वाले राजस्थान चुनाव में अपनी एक मजबूती से दावेदारी पेश की है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ शुभम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली।